स्वर्ण जयंती परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत करनाल सहकारी चीनी मिल के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य वीरवार को पूर्ण हो गया है। नए मिल के गन्ना पिराई का शुभारंभ उपायुक्त एवं मिल के चेयरमैन निशांत कुमार यादव व मिल की प्रबंध निदेशक अदिति ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना व हवन यज्ञ उपरांत किया। उपायुक्त एवं मिल के चेयरमैन निशांत कुमार यादव और MD अदिति ने क्रेन में गन्ना डालकर मिल का शुभारंभ किया। उपायुक्त ने मिल के अधिकारियों कर्मचारियों तथा किसानों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज इस इलाके के वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है, अब उन्हें दूरदराज के मिलों में गन्ना लेकर जाने की परेशानी से निजात मिल जाएगी। इससे गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी और किसान एवं क्षेत्र का चहुमुखी विकास एवं समृद्धि होगी। वहीं उपायुक्त ने बताया कि नए मिल के बनने से आसपास के करीब 130 गांव के किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा और चालू गन्ना पिराई सीजन के दौरान नए मिल से गन्ने की पिराई का कार्य पूरा किया जाएगा। किसी भी किसान का गन्ना बकाया नहीं रहने दिया जाएगा, नई और पुरानी दोनों मिलें चलती रहेंगी। उन्होंने बताया कि मिल की गन्ना पिराई क्षमता 2200 TCD से बढ़कर 3500 TCD हो गई है। मिल में रिफाइंड शुगर का उत्पादन होगा तथा 18 मेगावाट को जनरेशन प्लांट चलने से बिजली बिक्री होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नए चीनी मिल से 55 लाख क्विंटल तक गन्ने की पिराई संभव होगी। नए प्लांट की मशीनरी अत्याधुनिक है, इसमें सभी संयंत्र स्वचालित व्यवस्था से कार्य करते हैं। इसमें अधिक चीनी परता प्राप्त होगा, स्टीम की खपत कम होगी, बगास उपयोग कम होगा, सरप्लस बगास से विद्युत उत्पादित कर उसका विक्रय हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को किया जाएगा। प्रदूषण का स्तर न्यूनतम रहेगा जिससे क्षेत्र में वातावरण बेहतर रहेगा। सभी संयंत्र स्वचालित होने से उच्च स्तर के परिणाम प्राप्त होंगे। ये नया प्लांट विश्व स्तरीय उच्च तकनीकी दक्षता पर संचालित होगा। वही मिल की MD अदिति ने बताया कि करनाल सहकारी चीनी मिल के नए विस्तारीकरण आधुनिक प्लांट से रिफाइंड शुगर का उत्पादन होगा एवं सल्फर का उपयोग इस प्लांट में चीनी बनाने में नहीं होगा। फलस्वरूप सल्फर फ्री रिफाइंड शुगर बनेगी जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बाजार के लिए अच्छी गुणवत्ता की चीनी का उत्पादन आवश्यक हो गया है। रिफाइंड गुणवत्ता की चीनी के उत्पादन से करनाल चीनी मिल की साख बढ़ेगी, चीनी के दाम बढ़ने से चीनी मिल की आय बढ़ेगी तथा और इसमें हम कितना 3 हफ्ते का ट्रायल पीरियड मान रहे हैं, 1 महीने की महीने भर का जितना भी गन्ना रहेगा हमारा वो हम इस पीरियड में चलेगा और इसकी कैपेसिटी 3500 टन क्रशिंग पर डे है और इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे सीजन में लगभग 55 लाख क्विंटल गन्ना जो है क्रश करेंगे। पहले जो मिलती उसकी 2200 थी तो इससे हमें उम्मीद है कि आज आसपास के क्षेत्र के जितने लगभग 120-130 गांव के किसान हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। मिली ये लगभग 40-45 साल पुरानी है लेकिन धीरे धीरे करके आसपास के क्षेत्रों में जैसे जैसे गन्ना उत्पादन बढ़ा तो इसकी क्षमता कम पड़ती गई और इस वजह से लोगों को आसपास के मिलों में गन्ने को लेके जाना पड़ता था, उससे उनको लाने ले जाने में परेशानी आती थी, कीमत भी बढ़ती थी, उत्पादकता फ़ायदा कम होता था, नुकसान ज़्यादा होता था। उस वजह से जो है इसकी क्षमता सरकार के द्वारा बढ़ाई गई, लगभग एक साल में सवा साल में ये प्रोजेक्ट तैयार हो बन करके तैयार हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे एरिया के क्षेत्र के जितने भी किसान हैं उनको इनसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलके जो हमारे कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, उन सब का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा क्योंकि ये इंश्योर हमने किया कि ये जो मिल है पुराने वाली मिल भी साथ साथ चलती रहे और नए मिल का भी काम चलता रहे ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। तो एक पूरा सीज़न जो है पुरानी वाली मिल भी पैरेलली चली है और नई मिल का काम भी चला है। तो समस्त मिल प्रशासन को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, उन्होंने MD शुगर मिल के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम किया है, सबको बहुत बहुत बधाई और सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आज से शुरू है, नया मिल की शुरुआत हो चुकी है। देखिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, कोविड की वजह से प्रोजेक्ट का काम काफ़ी डिले हो गया था, परंतु हमारी कोशिश थी कि इसी क्रशिंग सत्र में ही हम इसका ट्रायल कर लें ताकि किसानों को जो गन्ना 10 लाख क्विंटल के आसपास हमारा गन्ना आसपास की मिलों को अलॉट किया जाता था वो गन्ना भी हमने रोका इसके ट्रायल के लिए। किसान को इस बार किसी तरह की समस्या नहीं होगी और अगले सीज़न से ये मिल पूरी तरह से चलने को तैयार होगी तथा 55 लाख क्विंटल के लक्ष्य अगले सीज़न में ही। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।